गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और फैमिली के साथ काफी अच्छा टाइम भी स्पेंड कर रहे होंगे। तो इस खुशी के साथ साथ थोड़ी पढ़ाई भी कर लेते हैं, ठीक है। सो लास्ट टाइम मैंने देखा था कि मींस आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स के पार्ट वन में देखा कि वी हैव सॉल्वड इट अप टू एक्सरसाइज 2.2 तक, करेक्ट। सो टूडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 2.3 ना, ओके। So before starting 2.3 next exercise, we will see one theorem that is called remainder theorem. Okay, remainder theorem. Okay, remainder theorem. बहुत simple concept है, बहुत simple है ये exercise. इसको समझ लीजिए अच्छे से, because 10th standard में भी आपको ये use में आ सकता है, ठीक है। So remainder theorem, what is remainder theorem? तो उसको समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। सी व्हाट इज दैट एग्जांपल। सपोज 9 इज डिवाइडेड बाय 2। सो मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज 9, तो आप बोलोगे सर दिस इज डिविडेंड, ठीक, दिस इज डिविडेंड। 2 इज डिवाइडिंग, सो दिस विल बिकम डिवाइजर, करेक्ट। इनटू कोशेंट होता है, देन प्लस रिमाइंडर होता है। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो दिस इज 9 डिविडेंड है, 2 इज डिवाइजर, करेक्ट। सो व्हेन वी डिवाइड 9 बाय 2, 2 4 8, ओके। तो दिस इज कोशेंट एंड दिस इज रिमाइंडर। सो कोशेंट के प्लेस पे 4 लिखना है, रिमाइंडर के प्लेस पे 1 लिखना है। सो यू कैन सी 2 4 8, तो रिमाइंडर क्या है, 1, ठीक है। सो देखो वी हैव 1 रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 1, समझ में आ रहा है, ओके। इफ सपोज 8 is divided by 2, 8 is divided by 2, so तो क्या होगा, 2 4 8, remainder will be 0, ठीक है। 8 होगा तो क्या करना है, 2 4 8, remainder will be 0, समझ में आया आपको। सो ये remainder theorem है, ठीक है। तो remainder theorem में ये तो एक एग्जाम्पल बताया कि ये remainder क्या मिल रहा है अपने को, remainder we are getting here 1, here we are getting 0। तो remainder theorem actually क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सॉल्व ऐसे ही करना है, नो डाउट, बट एक्चुअल में आपको समझना क्या है, क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। बिकॉज आपको 4 8 6 7 ऐसे नंबर नहीं रहेंगे कि 4 इज डिवाइडेड बाय 2 8 इज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये आपको हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल हो और इसको लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है या फिर इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, ठीक है। सो वी विल सी वन एग्जांपल। सो सबसे पहले वी विल स्टार्ट कि क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, डिवाइड एक्स स्क्वायर 6 + 8 बाय x + 2। देखो वी हैव टू डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 6x + 8 बाय x + 2। सो देखो सिंस वी हैव टू डिवाइड दिस, तो ये आपका क्या पार्ट हो गया, ये आपका डिविडेंड है, दिस इज योर डिविडेंड, ठीक। और इसे डिवाइड करना, तो ये आपका डिवाइजर है, करेक्ट, ठीक। सो इसके दो मेथड है इसको सॉल्व करने के, अब दोनों मेथड देखिए, ओके। तो फर्स्ट मेथड वी विल सी डिविजन मेथड। नॉर्मली जो हम लोग डिवाइड करते हैं, तो वी राइट x + 2, x² + 6x + 8, ओके। सो अभी इसका मेथड मैं आपको समझाता हूं। देखो इसका जो फर्स्ट टर्म है ये, इसका फर्स्ट टर्म इज दिस, बिकॉज द डिविडेंड द डिवाइजर है, तो वी विल राइट x², सो डिवाइड क्या करें, x, x x से x कैंसिल, सो वी विल हैव ओनली 1x, यहाँ पे लिख लेना है, करेक्ट। अभी आपको पता है x इंटू x क्या होता है, x² होता है, सेम, अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही रहता है, क्योंकि प्लस 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 ही रहता है, ठीक। नाउ x + 2 2x, क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अपोजिट होता है, माइनस होता है तो प्लस हो सकता था। सो हियर +6 - 2 दैट विल बिकम 4x + 8, यहाँ क्या साइन है, नथिंग इज देयर, प्लस इज देयर। तो अगर यहाँ पे, अगर यहाँ माइनस होता तो आपको यहाँ पे माइनस लिखना है, इफ देयर इट इज प्लस तो यू हैव टू राइट इट प्लस, राइट हियर प्लस, ओके। सो यहाँ पे प्लस था तो मैंने यहाँ पे प्लस लिख लिया, डायरेक्टली क्या बच गया, 4x, उसको डिवाइड करना है 1 से, सो हियर विल राइट 4 इंटू x 4x हो गया, करेक्ट, 4 2 जा
क्योंकि ये प्लस है ये प्लस है, तो प्लस 4 2 8 माइनस, कैंसिल कैंसिल, प्लस का माइनस, रिमाइंडर इज जीरो। समझे इतना पार्ट? तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? सो विल राइट डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक, सो डिविडेंड क्या है अपना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, करेक्ट, डिवाइजर इज x प्लस 2, क्वेश्चन इज x प्लस 4 एंड रिमाइंडर वी गॉट 0। रिमाइंडर वी गॉट 0। वन मोर थिंग, सिंस वी आर सॉल्विंग दिस रिमाइंडर थ्योरम, दिस इज इफ वी आर गेटिंग रिमाइंडर एज अ 0 दैट विल बिकम फैक्टर थ्योरम। आपको क्यों फैक्टर थ्योरम? बिकॉज ह्योर वी आर गेटिंग रिमाइंडर एज अ 0, 0 मिल रहा है। सपोज अगर आप 8 को डिवाइड कर रहे हो 2 से, ठीक है, सो 2 4 8, ठीक है, इट मीन्स 8 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 4, 8 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 4, इट मीन्स यू कैन से दैट 2 इज फैक्टर ऑफ 8, 4 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 8, बोथ आर फैक्टर ऑफ 8 एंड दे आर लिविंग रिमाइंडर एज अ 0, ओके, इट मीन्स वेन वी आर गेटिंग रिमाइंडर एज अ 0, सो द क्वेश्चन डिवाइजर एंड क्वेश्चन बोथ विल बिकम द फैक्टर ऑफ द डिविडेंड। समझ में आ रहा है आपको? ठीक, सो वेन वी विल बी गेटिंग रिमाइंडर एज अ 0, सो इट मीन्स दिस क्वेश्चन एंड डिवाइजर, क्वेश्चन एंड डिवाइजर विल बिकम द फैक्टर ऑफ द डिविडेंड। समझ में आ रहा है आपको? सो इसको हम लोग रिमाइंडर थ्योरम भी बोल सकते हैं, फैक्टर थ्योरम भी बोल सकते हैं, बोथ आर सेम, सेम ही होता है। ठीक है, फैक्टर थ्योरम में ये बताना होता है कि इफ वी आर गेटिंग रिमाइंडर एज अ 0 सो वो उसका फैक्टर होगा, वी आर नॉट गेटिंग रिमाइंडर एज अ 0 तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, इतना आप कॉपी कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, कॉपी, ओके। नाउ मैंने आपको बताया था कि आई विल एक्सप्लेन अनदर मेथड ऑल्सो, सो अगेन वी हैव टू डिवाइड दिस, ये डिविडेंड है, करेक्ट, इसके पहले वाला जो था वो डिविजन मेथड था एंड ये सब्सटीट्यूशन मेथड है, दिस इज डिवाइजर। ठीक, मींस रिमाइंडर थ्योरम वी आर गोइंग टू यूज, ठीक, रिमाइंडर थ्योरम। सो यहां क्या करना होता है, सिंस वी हैव टू डिवाइड दिस बाय दिस, सो व्हाट विल वी डू, विल फाइंड जीरो ऑफ दिस। ठीक, जो भी डिवाइजर होता है उसको हम लोग क्या फाइंड करते हैं, जीरो, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल एक्स प्लस 2 इज ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, तो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल जो डिवाइजर होता है, तो अभी आप एक नोटिस करो, ठीक है, एक्स प्लस 2, तो ये वैल्यू जीरो कब बनेगी, व्हेन वी हैव एक्स के प्लेस पे माइनस 2, क्योंकि माइनस 2 प्लस 2 तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब है कि अगर मैं गिवन पॉलिनोमियल में एक्स के प्लेस पे माइनस 2 लिखता हूं तो विल बी गेटिंग रिमाइंडर जीरो, मीन्स फुल पॉलिनोमियल विल बिकम जीरो। तो जीरो, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो, ये मेथड मैंने आपको समझाया था। सो एक्स की वैल्यू विल बी गेटिंग माइनस 2, इसका मतलब माइनस 2 पुट करने पे दिस पॉलिनोमियल विल बिकम जीरो। सो देखो ये आपको मिल गया जीरो ऑफ दिस, एक्चुअली देखा जाए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल बोल सकते हो या फिर जीरो ऑफ दिस डिवाइजर भी बोल सकते हो। ठीक है, नाउ ये जो डिविडेंड है तो हम लोग लिखते हैं लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ठीक, नाउ पुट x का वैल्यू माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग आपको याद रखना है कि देखो मैंने वहां पर ऐसे डिवाइड किया था x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, हियर वी हैव डन डिविजन मेथड, मतलब x प्लस 2 से आपने डिविडेंड को डिवाइड किया था, यहां पे आप क्या कर रहे हो, जो भी डिवाइजर है पहला स्टेप उसका आप क्या फाइंड करो, जीरो फाइंड करो। ठीक है, सो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज एक्स मींस माइनस 2 है, इस माइनस 2 को यू हैव टू सब्सटीट्यूट इन द डिविडेंड, जब आप इसकी वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर रहे हो इसका मतलब आप उसको डिवाइड कर रहे हो, वैल्यू को सब्सटीट्यूट करने का मतलब आप उसको डिवाइड कर रहे हो, पहला कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, इट मीन्स वेन वी आर पुटिंग एक्स का वैल्यू माइनस 2 इन दिस डिविडेंड इन दिस पॉलिनोमियल, क्योंकि डिविडेंड भी एक तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्री 2 है, सो आपने 2 यहां पे रख लेना है माइनस 2, सो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 प्लस 8, क्योंकि बेस नेगेटिव पावर इवन है तो आंसर विल बी पॉजिटिव, सो 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन में विल बी गेटिंग माइनस 12 प्लस
प्लस एट, ठीक। अभी देखो 4 प्लस 8 क्या हो गया 12, माइनस 12 जीरो, तो रिमाइंडर वी आर गेटिंग जीरो। समझ में आपको? सो इसको हम लोग रिमाइंडर थ्योरम भी बोल सकते हैं, फैक्टर थ्योरम भी बोल सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर तो जीरो है, तो दिस विल बिकम द फैक्टर थ्योरम, ठीक है। सो सिंस वी आर गेटिंग रिमाइंडर एज अ जीरो, तो आप बोल सकते हो कि ये जो x प्लस 2 है ये उसका एक फैक्टर है। ये भी एक मेथड होता है, क्योंकि वैसे में कभी कभी क्या पूछता है, चेक वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट, जैसे पूछ सकता है कि चेक x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। तो क्योंकि पूछा गया x प्लस 2 इज अ फैक्टर और नॉट, तो हम लोग वी विल फाइंड जीरो ऑफ x प्लस 2 और उसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे गिवन पॉलिनोमियल में। इफ वी आर गेटिंग रिमाइंडर एज अ जीरो, जैसे यहां पे मिला, तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, कॉपी। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 2.3, स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना। सो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस 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 एंड दिस। इट मींस एक डिविडेंड दिया हुआ है और फाइव डिवाइजर्स वी हैव, तो फाइव क्वेश्चंस वी हैव बोल सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 में फाइव क्वेश्चंस हैं, सो वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। ओके, सो व्हेन वी आर टेकिंग डिविडेंड दिस वी हैव टू टेक डिवाइजर दिस। मेथड इज सेम, जीरो ऑफ दिस फाइंड करना है और उसको इसमें सब्सटीट्यूट करना है, सो अपने को रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है। सो रैंडमली आई विल सॉल्व, क्योंकि सब मैं सॉल्व नहीं करूंगा। देखो जो आपको लगता है, ये वाला सॉल्व कर देता हूँ, ये वाला सॉल्व कर देता हूँ, दिस वन एंड दिस वन। फर्स्ट वन इज वेरी सिंपल, सो क्योंकि फ्रैक्शन में, तो आई विल सॉल्व दिस फॉर यू। सो आपको लिखना, लेट पी ऑफ एक्स, राइट द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको मैंने लिख लिया पॉलिनोमियल, ठीक, जो डिविडेंड पार्ट है। सो आई विल सॉल्व द सेकंड वन, ओके, सेकंड वन, फर्स्ट वन आप कर लेना क्योंकि सब मेथड सेम है। सो x माइनस हाफ, तो विल फाइंड जीरो ऑफ x माइनस हाफ इज, सो वी विल राइट जो भी x माइनस हाफ है दैट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x इक्वल टू, ये शिफ्ट हो जाएगा राइट में हाफ, ठीक। सो x ऑफ हाफ, x की वैल्यू जो हाफ है, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इन गिवन पॉलिनोमियल, सो विल राइट पुट x इक्वल टू हाफ इन पी एक्स, यहां पे रख लेना है, तो p का वैल्यू इज हाफ, x के प्लेस पे हाफ, सॉरी, सो हाफ का क्यूब प्लस 3 हाफ का स्क्वायर प्लस 3 हाफ प्लस 1, ठीक, वेरी सिंपल इज दिस। सो 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 8, 3 इज आउटसाइड, तो 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 वन 3 बाय 2, ओके, क्योंकि यहां पर कुछ पावर में है नहीं, तो डायरेक्टली विल मल्टीप्लाई 3 इंटू न्यूमिरेटर, 3 वन 3 बाय 2 प्लस 1, ठीक। नेक्स्ट इज व्हाट, 1 अपॉन 8, 3 वन 3 बाय 4, 1 बाय 4, सॉरी 3 बाय 4 हो गया, प्लस 3 बाय 2 प्लस 1, ठीक। यहां पे सॉल्व कर लेता हूं मैं, सो यहां पे मैं लिख लेता हूं फिर से इसको एक बार, 1 अपॉन 8 प्लस 3 बाय 4 प्लस 3 बाय 2 प्लस 1, इफ नथिंग इज देयर विल राइट 1, डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे। अभी विल सी 8 है, 4 है, 2 है, 1 है, ठीक। सो देखो 4 के टेबल में भी 8 आता है, 2 के टेबल में भी 8 आता है, 1 के टेबल में भी 8 आ सकता है, आता है, आ सकता है, नहीं है। सो देखा जाए तो दिस इज एलसीएम, एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, ठीक। सो क्योंकि हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू राइट ऑल द डिनोमिनेटर सेम, एक जैसे लिखने, यहाँ पे वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2, तो न्यूमेरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हियर वी हैव 2, तो 2 4 जा 8, सो न्यूमेरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 है, 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमेरेटर में भी 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो सो 1 अपॉन 8, 3 2 जा 6 अपॉन 8, 3 4 जा 12 अपॉन 8, 8 1 जा 8 अपॉन 8, नाउ वी हैव द सेम डिनोमिनेटर, सो वी विल राइट इट वंस, एक ही बार लिखना है, सबको लिख लेना है 1 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8, ठीक, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 12 19, 19 प्लस 8 27 बाय, ठीक, कॉपी कर लीजिए। ओके, कॉपी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द थर्ड वन, थर्ड वन में देखो, थर्ड वन में नथिंग इज गिवन टू, ओनली x इज गिवन, व्हेन x इज गिवन तो कुछ के साथ तो कुछ है ही नहीं, देखो आपको मैं समझाता हूं मैं। फिर से वी विल राइट पी एक्स
ये पॉलिनोमियल जो एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर्टीन। अभी ये जो पार्ट है, जनरली व्हाट डू वी डू, जो भी डिवाइजर होता है वी ऑलवेज राइट जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। ओके, एक्स मतलब क्या है, व्हेन वी विल राइट जीरो ऑफ एक्स के साथ कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए। अगर आप एक्स प्लस जीरो लिखते हो, एक्स प्लस जीरो मीन्स व्हाट, एक्स ओनली, और एक्स माइनस जीरो वो भी एक्स होता है, सो एक्स प्लस जीरो है। ओके, इज सिर्फ एक्स है ना, सो जीरो ऑफ एक्स प्लस जीरो लिखो या जीरो माइनस एक्स माइनस जीरो लिखो, इज एक्स प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, बिकॉज इस पार्ट ये पार्ट इक्वल टू जीरो लिखना पड़ता है, सो पार्ट इक्वल टू जीरो मतलब एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। ठीक, सो पी ऑफ जीरो, तो जीरो का क्यूब हो गया, दिस इज थ्री इंटू जीरो का स्क्वायर, थ्री इंटू जीरो प्लस वन। ठीक, तो जीरो 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 सब जीरो का सिर्फ एक रह जाएगा, पी ऑफ जीरो इक्वल टू वन। समझाए पार्ट, ठीक, बिकॉज ये क्या है, एक्स है तो एक्स के साथ कुछ है नहीं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में वी विल राइट, क्योंकि देखो हर यहाँ पे क्या, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस हाफ, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फाइव, तो जो भी वेरिएबल पार्ट है उसके साथ कुछ कॉन्सेप्ट एडेड फॉर्म में या सब्ट्रैक्टेड फॉर्म में है, एंड वी डू दैट पार्ट इक्वल टू जीरो, तो हम लोग को एक्स की वैल्यू मिलती है जो कि उसका जीरो होता है। ठीक है, जीरो ऑफ दैट पॉलीनोमियल, यहाँ पे एक्स के साथ कुछ नहीं तो विल राइट एक्स प्लस जीरो, तो एक्स प्लस जो भी हम लोग, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे इसको क्या किया, बैलेंस किया, वैसे लिखा है खुद से, तो एक्स प्लस जीरो इक्वल टू, एक्स प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, जीरो पार्ट विल गो ऑन दैट साइड, तो जीरो के साथ तो ना तो प्लस साइन होता है ना तो माइनस साइन होता है, सो एक्स इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करना है, ये वैल्यू मिल जाएगी। नाउ दीज टू विल सी दीज टू, ठीक है, सो अगेन पी एक्स ऑलरेडी वी हैव, ये लिख लेना है, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, सो विल राइट जीरो ऑफ एक्स प्लस पाई इज, तो लिखना एक्स प्लस पाई को जो जीरो, एक्स इक्वल टू पाई उस तरफ गया तो माइनस पाई, करेक्ट, सो पी ऑफ माइनस पाई इक्वल टू क्या होगा, माइनस पाई का क्यूब प्लस थ्री माइनस पाई का स्क्वायर प्लस थ्री ब्रैकेट में माइनस पाई प्लस वन। ठीक, अभी आपको एक रूल पता है कि व्हेन वी हैव द बेस नेगेटिव पावर क्या है, ऑड, तो माइनस ही रहेगा, ठीक, प्लस थ्री इज आउटसाइड, व्हेन वी हैव द बेस नेगेटिव, बेस नेगेटिव है माइनस पाई है, करेक्ट, पावर क्या है इवन, तो दिस विल बिकम प्लस पाई स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस थ्री पाई प्लस वन, सो ये हो गया आपका पार्ट। ठीक, कुछ करना नहीं है फर्दर, इतना ही करना है बस। ठीक है, सिमिलरली वी विल डू फॉर दिस, सो अगेन हम लोग क्या करेंगे, फिफ्थ पॉइंट के लिए वी विल राइट जीरो ऑफ फाइव प्लस टू एक्स इज फाइव प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो, करेक्ट, सो वेरिएबल पार्ट यहां रहना है टू एक्स, विल शिफ्ट फाइव टू द राइट साइड माइनस फाइव, देयरफॉर एक्स इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू, क्योंकि टू इसके साथ मल्टीपल फॉर्म में, इट विल गो एंड डिवाइड, अभी माइनस फाइव बाय टू वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इन गिवन पॉलिनोमियल, करेक्ट, यहां मैं सॉल्व कर देता हूं आपके लिए, सो पी ऑफ यहां पे एक्स की वैल्यू है वहां पे लिखना है माइनस फाइव बाय टू, ठीक, सो माइनस फाइव बाय टू का क्यूब प्लस थ्री माइनस फाइव बाय टू का स्क्वायर प्लस थ्री ब्रैकेट में माइनस फाइव बाय टू प्लस वन। नाउ ये नेगेटिव है, करेक्ट, पावर क्या है, ऑड, सो आंसर नेगेटिव मिलने वाला है, तो डायरेक्टली लाइट फाइव का क्यूब क्या होता है, फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव, फाइव फाइव जार ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव फाइव जार वन ट्वेंटी फाइव, और माइनस का साइन लिखा, और टू का क्यूब क्या होता है, एट, क्योंकि अभी आप डायरेक्टली ऐसे कभी नहीं करना प्लस माइनस माइनस, नो, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, और ब्रैकेट के पावर में क्या है, टू है, तो लेट थ्री बेस नेगेटिव पावर इवन, सो दैट विल बिकम प्लस, ओके, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, टू का स्क्वायर फोर, हाँ, यहां पे ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस, प्लस माइनस माइनस फिफ्टीन बाय टू, ठीक, इतना पार्ट मैंने लिखा, आई होप आपने ये लिख लिया होगा, रबिंग दिस, ठीक, सो देखो यहां क्या मिल गया, माइनस 125 बाय 8 प्लस 325 जा 75 बाय 4 माइनस 15 बाय 2 राइट प्लस 1। अगेन लास्ट टाइम मैंने कराया था आपको, तो उसमें क्या था,
8421. So we can make every denominator as a 8 by multiplying here by 2, here by 4, here by 8. Okay. We'll make the denominator same. We will make all the denominators same. So minus 125 by 8. You get 4 2s are. Okay. So 75 2s are. 2 4s are, so 15 4s are. यहाँ पे 1 8 जा लिखना है, तो यहाँ पे भी 8 जा लिखना है, ठीक। माइनस 125 8 अपॉन 8, ये हो गया 150 अपॉन 8, 60 अपॉन 8, तो लेट द सेम डिनोमिनेटर वंस, माइनस 125 प्लस 150, ठीक। तो 150 में से देखो, क्योंकि प्लस से माइनस है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 25 माइनस 60 प्लस 8 अपॉन 8, 25 प्लस 8 क्या होता है 33 माइनस 60 बाय 8, ये प्लस है माइनस है तो 60 में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और बिगर नंबर का साइन लिख लेते हैं, तो दैट इज माइनस 27 बाय, करेक्ट, कॉपी कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस polynomial is divided by this polynomial, means you have to divide this polynomial by this, तो ये आपका dividend हो गया and this is your divisor, okay? So मैंने आपको समझाया था क्या करना है, let px dividend को ले लेना है x cube minus ax square plus 6x minus 8, and because आपको इससे divide करना है तो you will find zero of the given polynomial, तो यहाँ पे लिखना है zero of x minus a is, so we let x minus a equal to 0, therefore x equal to a, यहाँ पे put कर देना है, put x equal to a in p of x, so यहाँ पे p of a लिख लिया मैंने, a का cube minus a का square plus 6 in bracket a minus a, this is a का cube, देखो यहाँ पर a का square minus a is what, a cube plus 6a माइनस ए, ए क्यूब ए क्यूब कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस है 5, सो दिस इज योर रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक, जो आंसर आता है वो हमेशा क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक, कॉपी कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, दैट ठीक, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ दिस, आपको मैंने समझाया था ना, फैक्टर ऑफ दिस मतलब ये डिवाइजर या डिविडेंड है, ठीक, बिकॉज जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि चेक 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, ठीक, अगर मैं बोलूं चेक 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, तो सिंपली व्हाट विल यू डू, आप 2 से 8 को डिवाइड करोगे, करेक्ट, एंड इफ यू आर गेटिंग रिमाइंडर 0, सो आप बोलोगे यस सर 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, तो सिमिलरली यहाँ पे बोला है कि 7 प्लस, चेक करना है कि 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो ये आपका डिविडेंड है या आपका डिवाइजर है, मैंने आपको समझाया, तो जो डिविडेंड होता है उसको आप क्या लिखते हो, वही सेम रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम बोल सकते हो, लेट पी एक्स इज 3x क्यूब प्लस 7x, तो डिवाइजर का क्या करते हैं लोग, यू ऑलवेज फाइंड द जीरो ऑफ द गिवन डिवाइजर, 7 प्लस 3x इज 7 प्लस 3x इक्वल टू 0, करेक्ट, सो कॉन्स्टेंट पार्ट विल गो ऑन द राइट साइड, माइनस 7 हो जाएगा, सो एक्स इज वॉट मल्टीपल फॉर्म है, तो 3 जाके उसको डिवाइड करने वाला है, ठीक, समझ में, सो पुट एक्स का वैल्यू माइनस 7 बाय 3 इन पी एक्स, अगर आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा तो इसका फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा तो उसका फैक्टर नहीं होगा, ठीक, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं, इसमें पोटेंशियल लेने वाली बात भी नहीं, 3 माइनस 7 बाय 3 क्या लिया, क्यूब है, क्यूब लिख लो, 7 है माइनस 7 बाय 3 लिख लो, तो देखो 3 इज आउटसाइड बाहर रहने दो, पहले विल ओपन द ब्रैकेट, ये माइनस है पावर इवन है ऑड है सॉरी, सो आंसर नेगेटिव रहेगा, तो 7 का क्यूब क्या होता है, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, सो विल राइट माइनस 343, और 3 का क्यूब क्या होता है 27, सर आपको कैसे आता है, मैंने पढ़ा है, प्रैक्टिस किया है, तो मुझे आता है, अभी प्रैक्टिस करो, व्हाट टाइम है आपके पास, प्लस माइनस माइनस 49 बाय 3, करेक्ट, ओके, नाउ 3 विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, या फिर हम लोग क्रॉस कट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कट कर सकते हैं,
3 9. So here we are getting minus 343 upon 9 minus 49 upon 3. ठीक सही है, इसको वहां पे लिख लेते हैं. माइनस 343 अपॉन 9 लिख लिया, माइनस 49/3. अगेन वी विल मेक द डिनोमिनेटर इक्वल. समझ में आ रहा है, जीरो तो आने वाला नहीं क्योंकि माइनस माइनस से ऐड होगा, साइड माइनस कहीं आएगा, जीरो तो आएगा नहीं, मतलब ये उसका फैक्टर होगा नहीं. ठीक, बट फिर भी हम लोग सॉल्व करके एक फाइनल आंसर तक तो ले आते हैं. 9 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो दिस इज 343 अपॉन 9, दिस इज माइनस 147 अपॉन 9. करेक्ट, डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख लेना है, विल ऐड द न्यूमरेटर क्योंकि दोनों नेगेटिव है. 370 कैरी 1 और 488 9 4. Right. So, since we are not getting remainder, since remainder is not zero, therefore, ये उसका factor नहीं है. 7 + 3x is not a factor of this 3x³ + 7x. ठीक, copy कर लीजिए. ओके नाउ आई विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.4. 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 एज अ फैक्टर. सो 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन आर गिवन इन दिस क्वेश्चन नंबर 1 में, बट आई एम सॉल्विंग द फोर्थ वन बिकॉज फर्स्ट सेकंड थर्ड दैट विल बी होमवर्क फॉर यू. वो मुझे थोड़ा सिंपल लगा आपके लिए तो मैंने आपको दे दिया, एंड मुझे लगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा सो ये मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ. ठीक है, सो ऐसे ही मुझे चेक करना है कि दिस इज अ पॉलिनोमियल तो क्या x+1 इसका एक फैक्टर है. ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था, तो दिस इज अ डिविडेंड, दिस इज अ डिवाइजर. विल फाइंड जीरो ऑफ x+1, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर. इफ यू आर गेटिंग आंसर जीरो, रिमाइंडर जीरो, सो ये उसका फैक्टर होगा. समझ में आ रहा है आपको, मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ. तो राइट, लेट px x³ - 2+√2x+2. ठीक, आपको बताना है कि x+1 क्या इसका एक फैक्टर है. ठीक है, सो विल राइट 0 of x-1 इज x-1 = 0, देयरफॉर x = 1. लिख लिया मैंने यहां पर, तो p(1). ठीक, तो 1³, 1² 2+√2, यहाँ पे 1 लिख लेना है x के प्लेस पे, √2. करेक्ट, तो 1³ 1 होगा, 1² 1 होगा, माइनस ब्रैकेट में 2+√2, 1 मीन्स नथिंग. ठीक, वन का मीन्स प्लस है तो प्लस ही, यहाँ माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस होता, बट प्लस है तो विल राइट एज इट इज. नाउ ओपन द ब्रैकेट, 1 - 1 प्लस माइनस. तो देखो 1 - 1 कैंसिल, +2√2 कैंसिल, वी आर गेटिंग -2. ठीक, सही है, देख लो आप लोग. सो वी आर गेटिंग रिमाइंडर एज अ -2. ओके, क्योंकि सब कैंसिल हो रहे हैं, 1 - 1 से कैंसिल, -2 विल रिमेन एज इट इज, दिस इज -√2 + √2. सो रिमाइंडर इज नॉट जीरो, सिंस रिमाइंडर इज देयरफॉर विल राइट x+1 इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जो भी है x³ - x² - 2+√2x. कॉपी कर लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 मैंने नहीं किया, आई हैव नॉट सॉल्व दैट क्वेश्चन बिकॉज दैट इज सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 की जैसे ही है, अगेन यू हैव टू फाइंड द चेक वेदर वन पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ अनदर और नॉट. तो मेथड मैंने आपको बताया, तो सेम मेथड से आपको सॉल्व करना है. सीधा क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अननोन वैल्यू के फाइंड करना है. हर एक इक्वेशन में देखो के दिया हुआ है. यहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 and 3 लिया बिकॉज वहां पर रूट था, तो मुझे लगा आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है. सो आई एम सॉल्विंग दिस. ओके, रूट वाले क्वेश्चन फॉर यू. सो मेंशन क्या किया है कि x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px. ये जो गिवन पॉलिनोमियल्स है ना, उनका x-1 फैक्टर है. अगर x-1 इनका फैक्टर है, इट मीन्स रिमाइंडर इज जीरो. श्योर, तो फर्स्ट वन मैं दोनों सॉल्व कर दूंगा आपके लिए. ठीक है, सो लिखना है, लेट
px is what? 2x square plus kx plus root 2, correct? So x minus 1 is a factor, so हम लोग इसका जीरो फाइंड कर लेते हैं. जीरो ऑफ x माइनस 1 इज x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x इक्वल टू 1. इसका मतलब है 1 सब्सटीट्यूट करने पे रिमाइंडर विल बी जीरो. सो वी विल राइट p ऑफ x जो भी है क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2. तो राइट p ऑफ 1 2 1 का स्क्वायर k 1 प्लस रूट 2. नाउ p ऑफ 1 का वैल्यू विल बी जीरो, क्योंकि देखो जब हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? रिमाइंडर. दिस इक्वल जो मिलता है ना, सो ये रिमाइंडर ही हो गया ना. आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू वी विल गेट रिमाइंडर. सो 2 1 का स्क्वायर 1 k प्लस रूट 2, 2 1 का 2 प्लस k प्लस रूट 2. सो वी नीड k का वैल्यू, ठीक है? सो दीज टू कॉन्सेप्ट विल कम ऑन द लेफ्ट साइड. सो इधर आने पे क्या होगा? माइनस 2 माइनस रूट 2 दैट इज k. तो k की वैल्यू आपको क्या मिल गई? Therefore, if you are taking constant out, you get the value. Same हाँ वैसे ही कर सकते हैं. P of x is what? Kx square minus root 2x plus 1. Again we'll write 0 of x minus 1 is x minus 1 equal to 0, x equal to 1. ठीक? So put P of 1 to substitute x value 1. So k1 का square minus root 2 1 plus 1. सो 1 का स्क्वायर 1 के वन जा के ही होगा, रूट 2 वन जा रूट 2 ही होने वाला है ये, एंड पी ऑफ 1 विल बी 0 बिकॉज दिस इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. तो रिमाइंडर इज 0. सो अगेन जो कॉन्स्टेंट पार्ट है लेफ्ट साइड में आ जाएंगे. सो रूट 2 माइनस 1 इक्वल टू के, सो के की वैल्यू मिल गई रूट 2 माइनस, कॉपी कर दीजिए.